गाड़ी तो ले लगा ले उसे वहमतुल्लि <स्थारीवियों> <वालेक्म> वरक <स्थारीवियों> मैं मस्जिद रियाजुल जन्ना के इमाम व मुअज़्ज़िन यूनिवर्सिटी कॉलोनी श्री देवी कॉलोनी पिलर नंबर टू सेवेंटी फ़ोर मैं इमाम और मुअज़्ज़िन आज छः छः साल से जो है सो करता था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है सो मेरी खिदमत मैं ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ मस्जिद रियाज उल्जन्ना में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा था अब एक साल कबल की बात है कि मस्जिद रियाजल जन्ना का जब ये बुनियाद रखा गया वो रहमत बहक साहब के हाथों से रखा गया कॉन्ट्रेक्टर एम एल ए राज नगर इमाम पार्टी के रहमत बेहक साहब से मस्जिद के संग बुनियाद रखी गई और मस्जिद जफर साहब बोल रहे हैं कि मस्जिद बनाया मैं खुद से हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है मस्जिद में लोग जो है सो आके चंदा दिए सो है कोई पचास हज़ार कोई साठ हज़ार कोई कोई जो है सो राड दे दिए कोई सीमेंट दे दिए कोई ईट दे दिए मतलब इस तरीके से मस्जिद बनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पे भी कितने लोग पैसे दिए सो हैं उन्होंने मेरे से ले ली एक जने पचास हज़ार रुपये दिए थे दो मिनट में आके मेरे हाथ से ले ली बाद जाने बोल रहे हैं कि स्लिप नहीं दिए मेरे को रसीद नहीं दिए ऐसे भी लोग हैं मेरे को पूछ रहे थे तो मैं बोला मैं मेरे को पैसे नहीं दिए तो आप जिनको पैसे दिए उनसे स्लिप ले लो ठीक है बोल के चले गए तो अब जब लोग देखे कि मस्जिद बन गई तीन फ्लोर की अब जो है सो मस्जिद में मस्जिद इनो भागे हुए थे दो तीन महीने से ग़ायब थे इनो अब वो उनका क्या मेटर था वो मेरे को नहीं मालूम दो तीन महीने से ग़ायब थे तो अब मस्जिद चलना कैसा मस्जिद में एक झने नमाज़ पढ़ाने वाले हैं आज छः महीने पहले आए सो है और मैं तो सात साल कबल से हूँ तो मस्जिद चलना का, कैसा मस्जिद के अखराजात कैसा चलेगा मस्जिद की आमदनी कैसा होगा मस्जिद में रहने वाले कैसे रहेंगे ये सब के वास्ते अहमद साहब नाम से मस्जिद में कमेटी बैठा है आज से दो ढाई महीना कबल पूरे मोहल्ले के लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह 50 पचास से साठ लोग थे अभी भी जो है सो मस्जिद कमेटी मस्जिद कमेटी की जो लिखाई पढ़ाई हुई वो मेरे पास भी मौजूद है और सब के पास मौजूद है मस्जिद का जो इलेक्शन हुआ मस्जिद कमेटी का और मस्जिद कमेटी के जो सदर बने वो जाहिद अली ख़ान साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से उन्होंने मस्जिद के सदर बने बहुत अच्छा चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी लेकिन आज कल जो है सो तेईस तारीख़ थी जुमा का दिन गुज्त कल तेईस तारीख जुमा का दिन में जो है सो मेरे को जफर सिद्दीकी मस्जिद में आके मेरे साथ फ़हश बात करे बच्चियों के बारे में बात करे कि आप फना के घर जा रहे हैं आपको क्या बच्ची देता हूँ बोले तो आप जो है सो उसके घर जा रहे हैं इस तरीके के बात बोले और मार के एक एक थप, हाथ से मार के जो है सो मेरे को ढकेल दिए और चार पांच और चार पांच गुंडों को लेके जो है सो मेरे सामान बाहर निकालने लगा दिए और एक पेपर में क्या लिखे कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं मैं हाफ़िज़ हूँ अलहमदिल्ला उर्दू आती सिर्फ तो इंग्लिश में क्या क्या कि लिख के मेरे को साइन करो बोल रहे मेरे को कुछ भी नहीं मालूम थी जो है सो मेरे को ज़बरदस्ती करके साइन कराए ज़बरदस्ती डरा धमका के चार पांच गुंडे उनके साथ थे मेरे को तो बहुत डर लगता वो सब लड़ाई मार से आज तक मैं वो सब में गया नहीं हूँ तो ऐसा करके जो है सो मेरे को साइन लिया उन्होंने फिर उसके बाद जो है सो फिर कल ही की रिपोर्ट ये है कि जफर सिद्दीकी के वाल साहब जो हैं उन्होंने मेरे को मैं अजान देने के वास्ते जा रहा था तो मेरे को ढकेल दिए बोले आप मस्जिद में आना नहीं आपको निकाल दिया तो फिर जो है सो आज की कारगुजारी ये है एक लेडीस आई थी मस्जिद में दो लेडीस आई थी उनके साथ सात मर्द हजरत थे अब वो कौन थे नहीं थे वो मेरे को नहीं मालूम उन्होंने आके बोल रहे कि जो है सो मस्जिद मस्जिद की चाबियाँ लाओ मैं बोला आपको मैं जानता नहीं हूँ आपको पहचानता नहीं हूँ आपको किस तरीके से चाबियाँ दे दूँ उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद के मेंबर हूँ मस्जिद में आके इतनी इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं जिसकी कोई हदित एक लेडीज़ थी एक लेडीज़ थी मस्जिद में आके वो बुरी तो आज जो है सो ये एक लेडीज़ दो लेडीज आई थी उन्होंने आके जो है सो मैं उसको नहीं पहचानता हूँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उनको कभी देखा भी नहीं हूँ मैं कब आए नहीं आए उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम मेरे को बिल्कुल जो है सो होटो में पॉलिश वगैरह लगा लेके किस तरीके से मस्जिद में आके गंदे बातें बोल रहे हैं और चीख की आवाज़ से मेरे से बात कर रहे हैं मैं उनको नहीं पहचानता मैं अगर उनको चाबियाँ दे दूँ तो फिर जो है सो मेरा क्या जो मेरे को चाबियाँ दिए मस्जिद के जो भी ओनर है जो भी बड़े हैं मैं उनको दे दूँगा तो उन्होंने मेरे से पूछेंगे मैं क्या जा दूँगा उस वक़्त मेरे हवाले करें ये पूरे कामा जो है सो जफर सिद्दीकी करा रहे हैं पूरा जो है सो इन्हीं का हाथ है और ये ज़फ़र सिद्दीकी पूरे कामा करा हैं और वो क्यों करा हैं इसलिए कि मस्जिद का जो चंदा आ रहा था इमाम मज़न को तनख्वाह बराबर नहीं देना पाँच तारीख को तनख्वाह मिलने का आ रहा था तो पंद्रह तारीख को देते थे और बार बार उनके पीछे आगे घूमते रहना घूमते रहना उसके बाद जो है सो तनख्वाह दे रहे थे इस तरीके से मेरे को तनख्वाह दे रहे थे तो इसी वास्ते मस्जिद के लोग जो है सो उनको कमेटी से बाहर निकाल लिए पूरे मोहल्ले के लोगा श्रीदेवी कॉलोनी के लोग यूनिवर्सिटी कॉलोनी के लोग इनको जो है सो कमेटी से बाहर निकालिए अब इन हसद जलन करके जो है सो मेरे को भी निकाल दे रहे हैं इधर की बात उधर कर रहे कहते इस तरीके से इल्ज़ाम डाल के जो है सो मेरे को निकाल दे रहे हैं और मस्जिद का जो चंदा आ रहा था किसी को हिसाब किताब नहीं दे रहे थे किसी को भी नहीं हिसाब किताब दे रहे थे इसी वास्ते उन्हें झूठ बोल रहे कि मैं मस्जिद बनाया हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बनाए कुछ नहीं बनाए बोल रहे कि मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दे रहा हूँ कुछ नहीं दे रहे पूरे मोहल्ले के लोग गवाह हैं कि कौन कितने चंदा देते हैं हर महीने को आप किसको भी पूछ सकते हैं और ये जफर सिद्दीकी का बैकग्राउंड बहुत ख़राब है इन्हों जो है सो पुलिस स्टेशन में इनके कितने कंप्लेंट आ गए अकबर साहब नाम से है उनका जो है सो गए फिर इसी तरीके से मुजमिल भाई के कंप्लेंट आ गए फिर जो है सो मेरे ऊपर भी हाथ उठाए और मेरे को बहुत ज़्यादा डराया करे आज भी फ़ोन में जो है सो मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड मौजूद है मेरे को डराए सो मेरे को मारे सो पूरा जो है सो मारे सो तो वो जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ पे पुलिस स्टेशन को गया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में जाके कल जो है गुज्त कल तेवीस तारीख को जाके जो है सो मैं लिख के दिया क्या क्या मेरे साथ हुआ तो मैं मेरे को मारे तो मैं जाके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में जाके जो है सो एक लेटर लिख के दिया और उसमें जो है सो मेरे को मेरे साथ बहुत सारे लोग आ गए थे कॉलोनी के अलहमदिल्ला बहुत सारे लोग आ गए थे और इन्हों जो है सो चार पांच गुंडों को लेकर आए थे और वो लोग पूरे जो है सो उनके सपोर्ट में थे इसी वास्ते डर से मैं कुछ भी नहीं कर सका और एक पेपर लिखे उसमें साइन भी भी मेरे से ले लिए को मस्जिद से मार के ढकेल को जो निकाल दिए मेरे सामान जो बाहर कर दिए उनके वालद साहब भी जो है सो मेरे को आज़ाद देने जा रहा था ढकेल दिए इसका मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा मैं तो मेरे दिल से बदवाएँ निकले निकल जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला उनका इंसाफ़ करेगा कि जो है सो उन्होंने नासाफ़ आदमी है आज छः महीना पहले जो है सो पाँच महीना पहले एक इमाम को लेकर आया तो उनका तनख्वाह जो है सो डायरेक्ट दस हज़ार कर दिया मैं इतने दिनों से यहाँ पर सात साल से मस्जिद में पोछा मारता हूँ बाथरूम धोता हूँ उसके बाद जो है सो अजान देता हूँ नमाज़ पढ़ा लेता था तो मेरी तनख्वाह सात हज़ार थी आज दो महीना तीन महीना कबल जो है सो दस हज़ार करे सो है एम आई एम पार्टी के बड़े बेस्ट असदुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है ये है कि मस्जिद में आइए मस्जिद में आके देखिए कि यहाँ के हालात क्या है आज सात साल से जो बंदा खिदमत अंजाम दे रहा था उनके साथ क्या रहमत बैग साहब से भी मैं गुज़ारिश करता हूँ मैं अपील करता हूँ कि उन्होंने जो है सो आके संगी बुनियाद रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छे वो लोग आके जो है सो इस मस्जिद का जो है सो कारगुजारी है क्या क्या खराबियाँ कर रहे हैं ये सब आके देखिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए मैं फैशन फैब्रिक्स मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम रेमंड रीड एंड टेलर सियाराम और डिकजाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी सदरी कुर्ता पजामा और पगड़ी बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजबी दाम में बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी आवरी के मुंतजिर अबरार फैशन फेब्रिक्स मूसा बोली पिस्ता हाउस हुसैनी रोड हैदराबाद